खरगोन जिले के सेगांव में आज स्थानीय कृषि उपज मंडी में शासन के निर्देश अनुसार समर्थन मूल्य पर आदिम जाति संस्था और मातेश्वरी सरकारी संस्था ने गेहूं और चना खरीदी का श्री गणेश प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे सहकारिता इंस्पेक्टर आर भट्ट द्वारा विधि विधान से किया गया। वहीं प्रभारी तहसीलदार बर्डे ने इस मौके तुलावटी और हम्मालों को मास्क का वितरण करते हुए कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के निर्देश दिए। आज से गेहूं 1975 व चना 5100 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीदी होगी। इस दौरान संस्था प्रबंधक और किसान मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज से गेहूं और सरसों जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हुई है। अपने कृषि मंडी प्रांगण में मातेश्वरी संस्था और सहकारी सोसाइटी द्वारा खरीदी शुभारम्भ हुआ। किन किन फसलों का सर खरीदी की जाएगी? एक चना है, गेहूं है और अदर भी फसलें हैं जो पंजीकृत हुआ है, जो पंजीकृत फसलें हैं उनकी खरीदी शुरू हुई। क्या नाम है? प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।